मैं प्रेग्नेंट हूँ मैं बता नहीं रही। लोग ही ना मैम से कंसल्ट करेंगे तो ये जानने। एक्चुअली आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, मुझे ऑर्डर किया था 15 सितंबर को 10 बजे ही रूंगी, 1 मिनट बजे का वो हेल्थ लेने का। उस टाइम है कि आप लोग 50 के सब्सक्राइबर जल्दी से कम। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे क्योंकि मैं तो बहुत अच्छी हूँ आप सबके दुआ से। सो फ्रेंड्स, काफ़ी सारा कमेंट मुझे आ रहा था और काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुआ है या नहीं। बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ मैं बता नहीं रही हूँ, और काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं क्योंकि सभी लोगों को पता है, जो मेरे व्यूवर्स हैं जो मेरा ब्लॉग देखते हैं उनको सभी को पता है कि मैं हिना हेल्थ का किट यूज़ कर रही हूँ। तो उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ है, क्या मुझे कंसीव हुआ है या फिर नहीं हुआ है, वो जानने का उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा, वो लोग बेताब हैं इस चीज़ को जानने का, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ना आशा जुड़ा हुआ है मुझसे, जो हिना हेल्थ किट को यूज़ करना चाहती हैं या जो उनके ट्रीटमेंट को लेना चाहती हैं, वो लोग बहुत ही इंतज़ार कर रही हैं कि हम आपका रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग हिना मैम से कंसल्ट करेंगे। तो ये जानने के लिए तो बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ उस चीज़ का, और उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना प्यार इतना सपोर्ट मुझे दे रहे हो, इतना ज़्यादा कमेंट मुझे करते हो। एक्चुअली आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ का। सो गाइस, मैं ये बता देती हूँ कि मुझे कितना टाइम हुआ है अभी हिना हेल्थ का प्रोडक्ट यूज़ करते हुए, उनका किट यूज़ करते हुए। तो मैंने 15 सितंबर को उनका जो मेरा किट मुझे मिल गया था, मैंने 10 सितंबर को किट ऑर्डर किया था, 15 सितंबर को मुझे मिल गया था। तो मैं उसी दिन से मैंने स्टार्ट कर दिया था जिस तरीके से उन्होंने मेंशन किया हुआ है उनके लेटर में, उसी तरीके से मैंने स्टार्ट कर दिया था उनको उसको लेते हुए, और अभी तक मैं कंटिन्यू ले रही हूँ। बीच बीच में ऐसा हुआ है कि 1-2 दिन मैं नहीं ले पाई, क्योंकि कहीं मैं बाहर रहती हूँ या कहीं गई रहती हूँ तो टाइम मिस हो जाता है, तो टाइम के अकॉर्डिंग ही लेती हूँ मैं। जैसे कि अभी 10 बजे मुझे लेना है तो 10 बजे ही लूँगी, 1 मिनट ऊपर नीचे नहीं करती। अब अगर बाय चांस हुआ कि उस टाइम में मैं नहीं हूँ घर पर तो मैं उस दिन नहीं लेती हूँ, ऐसा ना 3-4 दिन हो चुका है। अभी 2 दिन से तो मैं हॉस्पिटल में ही गई थी, क्योंकि मेरी मामी जो है, मेरी मामी सास जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गई हैं, पहले वो जशपुर पत्थर गाँव में रहती थी तो अभी वो यहाँ शिफ्ट हुई हैं, तो अचानक से उनका तबीयत ख़राब हो गया तो मुझे उनके साथ जाना पड़ा। तो हॉस्पिटल में वो 2 दिन तक एडमिट थी, प्रभु जल्दी उनको ठीक कर दें क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। मैं भी देखी हूँ उनकी परेशानियाँ कि किस तरीके से वो सर्वाइव कर रही हैं, कितना प्रॉब्लम उनको हो रहा है, तो वो चीज़ भी मैं देखी हूँ उनको। तो यही चीज़ मैं प्रे करती हूँ प्रभु से जल्दी वो ठीक हो जाए, उनके डॉक्टर के पास जाना ना पड़े। मैं तो बोलती हूँ किसी को भी डॉक्टर के पास जाना ना पड़े। डॉक्टर ने कि उसी वजह से 2 दिन तो वैसे ही मिस हो गया, मैं ले नहीं पाई क्योंकि, और कल रात में मैं सुबह में गई थी उनके लिए नाश्ता वगैरह लेकर, तो कितना 12 बजे करीब मैं आई घर। तो फिर जो मेरा टिप था ना 10 बजे का, 10:30 बजे का वो हेल्थ लेने का, उस टाइम मिस हो गया। उसके बाद 11:45 को एम्ट्यूटन सिरप का टाइम था, वो भी मिस हो गया, उसको भी मैं नहीं ले पाई। तो 3 बजे मैंने ब्लैक रिजिन वाटर और 5 बजे मैंने फिनल्टी लिया, और रात को मैंने लिया 9 बजे करीब, 9 बजे ही लेती हूँ रोज़ मैं, तो 9 बजे मैंने जीव पुष्टि लिया। तो कुछ चीज़ें मिस हो गई और कुछ चीज़ें नहीं ले पाई। तो अभी मुझे 1-1.5 महीना करीब हो गया उसको यूज़ करते हुए, बट अभी मैं नहीं बता सकती क्योंकि अभी मुझे कोई फील नहीं हुआ है ऐसा क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं, और ना ही मेरा डेट अभी आया है तो मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो इसलिए ना मैं ये श्योर नहीं कर सकती कि मुझे कंसीव हुआ है, या ये भी नहीं बोल सकती कि मुझे नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मुझे पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। उस टाइम से जब मैं लेना स्टार्ट की हूँ ना तब से मेरा डेट नहीं आया है, तो मैं ये क्लियर बता देती हूँ और आप लोग समझना जो चाहते हो वो समझ जाओ, पर ये भी बोल सकती हूँ कि मुझे हो नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं हर एक चीज़ आप सबसे शेयर करती हूँ, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। बोलते हैं कि 3 महीने तक नहीं बताना चाहिए किसी को, बट मेरा सिचुएशन तो सबको पता है, मेरे सारे व्यूवर्स को पता है, अब मेरे व्यूवर्स को पता है मतलब मेरी फैमिली को भी पता है, क्योंकि मेरी फैमिली भी मेरे ब्लॉग देखती है, मेरे हर एक वीडियो देखता है, तो उन लोगों को भी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। अगर मैं नहीं भी बता
उन लोगों को, तो भी वो लोग जान जाते हैं क्योंकि वो मेरे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, तो उन लोगों को भी पता चल जाता है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं कंफर्म नहीं बोल सकती कि मुझे हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन आप सब लोग मेरे लिए प्रे कीजिए कि जल्द से जल्द मेरा रिजल्ट आ जाए। मैं ना टेस्ट करने से पहले एक चीज़, एक ऐसा सिम्टम होता है मेरे बॉडी में जिससे मैं कंफर्म हो जाती हूँ कि हाँ प्रेगनेंसी है, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कोई सिम्टम नहीं दिखा है। वो क्या सिम्टम है वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी, जब मुझे कंसीव हो जाएगा उससे मैं बाद बताऊंगी कि मुझे कौन सा सिम्टम दिखा था। तो वो एक सिम्टम होता है ना जिससे मुझे बिना टेस्ट किए, बिना डॉक्टर के पास गए मैं बता सकती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बाबू के टाइम में भी हुआ था और मेरे बेबी के टाइम में भी हुआ था, तो मुझे पता है कि क्या ऐसा फील होता है मुझे जिससे मैं कन्फर्म गारंटेड मैं बता सकती हूँ कि मुझे है कि या नहीं है। लेकिन अभी मैं बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा कोई सिम्टम, वो जो सिम्टम है वो मुझे अभी तक नहीं दिखा है, तो हो भी सकता है कि अभी नहीं हुआ हो। आप सब लोग मेरे लिए प्रे कीजिए कि मुझे जल्दी से कंसीव हो जाए, ताकि आप लोगों का भी उम्मीद ना टूटे हिना हेल्थ से, क्योंकि आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं हिना हेल्थ का किट यूज़ कर रही हूँ, उसी का मतलब इतना भरोसा है कि हाँ इस चीज़ से मुझे कंसीव हो जाएगा। जितना आप लोग जितना उत्सुकता से इस चीज़ का वेट कर रहे हो ना, उससे कहीं ज़्यादा मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं उस चीज़ को सोचती नहीं रहती, क्योंकि सोचो तो वो ख़राब हो जाता है, वो आप लोग को भी पता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने बीच में बताया था आप लोगों को कि मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने मुझे कुछ बोला था, लेकिन वो अभी वो सही टाइम नहीं है आप सबसे वो चीज़ को शेयर करने का, लेकिन मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं डॉक्टर के पास जब गई थी तो मुझे क्या बोला था। उस टाइम में मैं भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही थी और उस टाइम क्या हुआ था वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। सो फ्रेंड्स, मेरा 50K सब्सक्राइबर को जल्दी से कंप्लीट कीजिए ताकि मैं अपना रिजल्ट बता सकूँ। सो गाइज, ये आप सबके लिए चैलेंज है कि आप लोग 50K सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करें, ताकि गाइज मैं और भी जोर शोर से अपने रिजल्ट बता सकूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर ही रिप्लाई देती हूँ। सो गाइज, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए।